व्यूअर्स, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रीमी खीर बनाने जा रहे हैं और इसका प्रोसेस आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा पतीला ले लिया जिसमें हमने तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी डाल देना है और इस पानी को जब तक उबाल नहीं आ जाएगा इस पानी को हम बॉईल करेंगे और उसके बाद इसमें हम चावल डाल देंगे। और जो चावल हमने लिए हैं वो तकरीबन 1 कप है और ये सारी रात जो है भिगो के रखे हैं और सुबह इनको जो है वो मल के इनको छोटा छोटा कर लिया है और इसमें से पानी हमने अच्छी तरह से सोख कर लिया है। अब ये चावल हमने जो है वो उबले हुए पानी में डाल देने हैं। ये चावल ऐड हो गए और अब ये चावल तकरीबन जो है तब तक बॉयल होते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल जो है वो नरम हो के और टूटना ना शुरू हो जाए। अब चावलों को उबाल आना शुरू हो गए और इनको तकरीबन हम आधा घंटा या 20 मिनट इनको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब चावल अच्छी तरह से उबल गए हैं और इनमें पानी भी खुश्क होने वाला है और अब हम इनमें जो है वो तकरीबन 3 किलो दूध ऐड कर देंगे जो कि क्रीमी दूध है। और ये 3 किलो दूध ऐड हो गया इसमें और अब इस दूध में तकरीबन 2 घंटे तक हल्की आंच पे जो है वो चावल पकते रहेंगे ताकि दूध में बिल्कुल हल हो जाए चावल। अब दूध में उबाल आने तक हम चूल्हे को ऊंची आंच पे रखेंगे और जब दूध उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम उसको हल्की आंच पे कर देंगे और हल्की आंच पे ये तकरीबन 2 घंटे तक पकता रहेगा और उसमें हम गाय बगाए जो है चमचा हिलाते रहेंगे। दूध में उबाल आना शुरू हो गया, अब हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चमचा हिलाते रहेंगे और चूल्हे को हल्की आंच पर रख देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया और चावल भी जो है वो नरम होना शुरू हो गए और तकरीबन दूध को खुश्क होने तक हम इसको पकाते रहेंगे और दूध का कलर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखें बिल्कुल जो है वो बारीक होते जा रहे हैं। अब हमारी खीर तकरीबन तैयार होने वाली है और काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब इसमें हम जो है इलायची के दाने जो हैं वो हम ऐड करते हैं और ये दाने ऐड करने के बाद तकरीबन इसको हम 20 मिनट और जो है वो पकाने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर। अब इसमें हम तकरीबन 1 कप जो है वो चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। अब हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है और उसके बाद इसको गार्निशिंग करके हम इसको फाइनल टच दे देंगे।